ऐसे कैसे चलेगा भैया? हाँ, ये शादी ब्याह का घर है। अब घर की बहू अगर ऐसे इधर से उधर मटकती रहेगी तो लोग तो दूसरेंगे ही ना। और वो लड़के वाले हैं, वो बोलने से कहाँ चुकेंगे, वो तो ताना मारेंगे ही। आपके मुंह से तो कुछ निकलता ही नहीं है, बहू को थोड़ा डांटा कीजिए। उसका क्या है, वो तो ऐसे ही रहेगी और कल को उठेगी और शहर चली जाएगी। लोग तो शिकायत हमारे पास करेंगे, लोग तो ताना हमें मारेंगे। आपसे कुछ नहीं हो सकता है, आप छोड़ दीजिए। अरे हमें बोल दीजिए, हम उसको बोल देते हैं कि अभी थोड़ा ढंग से घर में रहे, साड़ी पहन के रहे और सर पे पल्लू रखे। एक हमारा जमाना था, सर से थोड़ा सा पल्लू गिर जाता था तो हमारी सास ऐसे मुंह फुला के बैठ जाती थी जैसे लगता था आसमान से उनके ऊपर पहाड़ गिर गया हो। हमको अभी भी याद है, मेरे शादी में तो भैया क्या दिए थे, छोटा सा रेडियो। उसके लिए हमको कितना दिन तक सुनाती रही थी वो। और आज देखिए भैया अपने दामाद को क्या दे रहे हैं, बड़ा वाला LED TV। मेरे पति को क्या दिए थे, एक साइकिल। और अपने दामाद को क्या दे रहे हैं, चार पहिया। और क्या, बुआ की तो कोई इज्जत ही नहीं है इस घर में, ना कोई चाय को पूछता है ना कोई खाने को पूछता है, सब लगे हुए हैं नए दामाद को उतारने में। हमारे पति की तो कोई पूछ ही नहीं है, क्या करे भाई, जमाना ही बदल गया है।